नमस्कार। और आज से शुरू हो रहा है डूरंड कप, और डूरंड कप कितना इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट हमारे भारतीय फुटबॉल में, ये आपको भली भांति पता है। और देखिए इसमें कौन सी टीम्स है और कैसे ग्रुप्स है, ये बातें हम पहले एक वीडियो में कर चुके हैं। तो आज मैं आपको थोड़ा सा इस डूरंड कप से रिलेटेड कुछ अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा, ताकि आप इसको देखने के लिए फिर से आपके अंदर एक्साइटमेंट वापस आ जाएगी, हाँ अब तो देखना ही है, ठीक है। और देखिए जैसे कोपा डेल रे, एफए कप होता है ना विदेशी, तो वैसे हमारा डूरंड कप है, तो जैसे उसको देखने के लिए बड़ा मरते हैं, वैसे इसको भी देखने के लिए यार वो अंदर से आना चाहिए ना कि हाँ हमारा भी डूरंड कप है, हम भी देखेंगे इसको वैसे ही लगन से, तभी तो फिर टूर्नामेंट है जो वो बुलंदियों पे पहुंचा पाएंगे ना। तो सबसे पहले तो कुछ बोल लूं, उससे पहले मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि भैया स्पोर्ट्स 18 चैनल जो है वो इसको टेलीकास्ट करने वाला है, तो टेलीकास्ट यहाँ पे होगा। ये सबकी एक जिज्ञासा होती है, जिनको नहीं पता हो मेरे ख्याल में अब आपको पता चल गया होगा, स्पोर्ट्स 18 इस पे आपको देखने को मिल जाएगा। सो बिफोर वी स्टार्ट आई वॉन्ट टू शो यू वन फुटबॉल ऐप, हियर यू कैन गेट ऑल अपडेट्स रिलेटेड टू वर्ल्ड फुटबॉल, यू कैन वॉच लाइव मैचेस हियर, एंड इन केस यू मिस यू कैन ऑल्सो वॉच हाईलाइट्स, ऑल्सो यू कैन पिक योर फेवरेट टीम एंड पुश नोटिफिकेशन बटन ऑन सो यू विल गेट ऑल लेटेस्ट अपडेट्स ऑफ योर टीम, एंड ऑल्सो यू कैन पिक योर फेवरेट प्लेयर्स टू नो अबाउट देयर करंट एंड प्रीवियस परफॉर्मेंसेस। सो डाउनलोड वन फुटबॉल ऐप, गेट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो जैसा कि आपको पता है कि एफसी गोवा डिफेंडिंग चैंपियन है डूरंड कप की, और इस सीजन उनके लिए टफ है क्योंकि उन्होंने अपनी फर्स्ट टीम नहीं भेजी है, पिछले साल भी नहीं भेजी थी, लेकिन इस साल अदर टीम्स की फर्स्ट टीम भी आई हुई है, तो इस साल थोड़ा डिफिकल्ट है उनके लिए डिफेंड करना टाइटल को। और ईस्ट बंगाल और एटी के मोहन बगान की वापसी हो चुकी है, और दोनों टीम का एक फैक्ट है कि दोनों टीम्स 16 बार डूरंड कप जीत चुकी है। अभी इसमें से आप में से कई लोग ये बोल सकते हैं कि भाई मोहन बगान जीती है 16 बार, नॉट एटी के मोहन बगान, तो देखिए अभी तो वो क्लब 80 के मोहन बगान ही बन गया है, तो अभी वो पुरानी लेगेसी को ही लेके चल रहा है ऐसा उनका कहना है। अभी किसी का क्या कहना है ये मुझे नहीं पता, लेकिन क्लब ऑफिशियल कहते हैं कि भैया हम मोहन बगान की लेगेसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, जो उनकी 133 साल पुरानी लेगेसी है, ऐसा बोलते हैं। तो इसलिए मैं उससे जोड़ रहा हूँ कि भैया 16 टाइटल्स अब 80 के मोहन बगान के पास है और 16 टाइटल ईस्ट बंगाल के पास है, तो क्या इस साल उन दोनों टीम्स में से कोई एक उस टाइटल को बढ़ाएगा, है ना, 17 टाइटल करने वाला है, ये देखने वाली बात रहेगी। और डर्बी भी होने वाली है डूरंड कप के ग्रुप मैच में, तो बहुत ही एक्साइटेड मतलब होने वाला है मामला, तो मजा आने वाला है। और जो डर्बी के फैंस है उनके लिए तो क्या कहे ना, यही तो मैच होता है जिसका सबसे ज्यादा इंतजार होता है, डर्बी। लेकिन एक बात है कि मोहन बगान ने अपना लास्ट डूरंड कप 2000 में जीता था, और ईस्ट बंगाल ने अपना लास्ट टाइटल 2004 में जीता था, तब से सुपड़ा साफ है, तो वो एक बहुत लंबा जो एक है ना गैप हो गया, तो उसको भी अगर भर पाए तो ये भी अच्छी बात रहेगी। बाकी कौन जीतेगा नहीं जीतेगा ये तो भैया आप खेल के ऊपर है। और अगर मैचेस की बात करें तो देखिए हर दिन पे दो दो मैच होने वाले हैं, बस आज 16 अगस्त को केवल एक मैच होगा, बाकी हर दिन दो दो मैच होने वाले हैं। तो अभी आप मैच कैसे देखेंगे, तो देखिए हर दिन आप कोई भी एक जो इंपॉर्टेंट मैच होगा, जो आपको लगता है कि ये मैच देखने में मुझे मजा आएगा, वैसा एक मैच पकड़ लो और एक मैच आप डेली देखो, ठीक है। जैसे मैं भी एक मैच डेली देखूंगा, जो मैच उस दिन का बेस्ट मैच रहेगा मैं उस मैच को देखूंगा, तो आप भी वैसा कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्या होगा कि आप डूरंड कप का लुफ्त उठा सकते हैं और आपको मजा भी आएगा। अब कई आईएसएल की जो टीम्स है इसमें फर्स्ट टीम भेज रही है, तो मैं उनको बहुत बहुत शुक्रिया बोलूंगा कि देखिए फर्स्ट टीम्स जो आ रही है उससे क्या होगा कि जो टूर्नामेंट की गरिमा है ना वो बनी रहेगी, कि टूर्नामेंट की क्वालिटी मेंटेन रहेगी। अभी देखिए सब लोग अपनी अगर रिजर्व टीम ही भेज देते तो वो फिर कई लोग तो देखते भी नहीं, सही बात है। तो अभी कई क्लब जो फर्स्ट टीम भेज रहा है तो इससे क्या क्वालिटी मेंटेन रहेगी कि हाँ फर्स्ट टीम्स भी है, तो लोगों में एक वो देखने की भावना जागी रहेगी, हाँ भैया ठीक है। और जिन टीम्स ने अपनी रिजर्व टीम भी भेजी है उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्यों, क्योंकि देखिए आप यंगस्टर्स को चांस दे रहे हैं, ये भी अच्छी बात है, तो जो फर्स्ट टीम भेज रहा है वो भी अच्छी बात है, जो रिजर्व टीम भेज रहा है वो भी अच्छी बात है, दोनों जगह पे पॉजिटिव ही रखो ना, क्यों नेगेटिव चीजें बोलने, क्यों पॉजिटिव है, अच्छी बात है दोनों साइड। अब इसमें देखिए तीन टाइप्स की टीमें आ रही है, आपको पता है आई लीग की टीम्स, आईएसएल की टीम्स और डिफेंस की टीम्स। तो देखिए अगर हम आई लीग की बात करें तो आई लीग की जो टीम्स है उसमें मोहम्मदन एससी जो है उसका परफॉर्मेंस काफी शानदार आपको दिखेगा, और वो काफी एक आगे जाने की सोच लेके जो टीम आती है उस टाइप की टीम है पूरी तैयारी के साथ, तो मोहम्मदन एससी का परफॉर्मेंस आपको बिल्कुल मजा आएगा देखने में। और वहीं पर अगर हम डिफेंस की टीम की बात करें तो आर्मी ग्रीन टीम जो है वो हमेशा ही अच्छी टीम बन के आती है, तो आर्मी ग्रीन का परफॉर्मेंस आपको बहुत शानदार लगेगा। और उसके बाद आईएसएल की टीम्स की बात करें तो आपको पता है कि मेरी जो फेवरेट टीम है वो तो बेंगलुरु एफसी है, और मैं इसमें ऐसे देख रहा हूँ कि टाइटल कंटेंडर, जैसे मेरी प्रेडिक्शन में बोलूंगा कि कौन सी टीम से जो डूरंड कप जीत सकती है, तो मैं तीन कंटेंडर मेरी तरफ से बोलना चाहूंगा, एक तो बेंगलुरु एफसी, एक अपनी एटी के मोहन बगान और एक मुंबई सिटी। ये तीन टीम्स मुझे ऐसा लगता है कि डूरंड कप जीतेगी, इन तीन टीम्स में से कोई एक तो जीतेगी, ये मेरी प्रेडिक्शन है। अब जीतेगी तो भैया बहुत अच्छी बात है, और नहीं जीती तो मैं गलत साबित हो जाऊंगा, इससे ज्यादा क्या होगा। तो आप भी अपनी प्रेडिक्शन जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा कि कौन सी ऐसी तीन टीमें आपको लगता है
कि वो जीत सकती है। ठीक है, ये आप कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। ठीक है, ये एक ऐसी रिक्वेस्ट है मेरी कि मैं जानना चाहूंगा कि आप किन टीम्स को बहुत ऐसा स्ट्रॉन्ग मान रहे कि हाँ ये जीतेगी। ठीक है, और देखिए कई टीम्स जो फर्स्ट टीम के साथ आ रही है उनमें कई न्यू ट्रांसफर्स हुए, उनको देखने का भी मुझे बहुत एक्साइटमेंट है कि भैया वो प्लेयर्स किस तरह से अब नई टीम उन्होंने ज्वाइन करी है, फॉरेन ट्रांसफर है, तो किस तरीके से अब वो इंडिया में खेल दिखाएंगे, इसके लिए मैं थोड़ा एक्साइटेड हूँ। तो ये भी मैं देखना चाहता हूँ, मेरे ख्याल में आप भी ये देखना चाहते होंगे। तो यही कुछ बातें थी डूरंड कप चालू होने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता था ताकि आप डूरंड कप को मिस ना करें। और जैसा मैंने बोला आप दिन में एक मैच भी देखेंगे हर मैच डे का तो बहुत है और आपको मज़ा भी आएगा और आप डूरंड कप से जुड़े भी रहेंगे। और इंडियन फुटबॉल में आपका जो सहयोग है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर देश की जनता का सहयोग जो होता है वो बिल्कुल भरपूर मिलेगा डूरंड कप को, तो इसी तरह हमको जो टूर्नामेंट है इसको टॉप लेवल पे पहुंचाना है तो आप बिल्कुल पहुंचा सकते हैं, हम मिलकर पहुंचा सकते हैं। तो इसी तरह भारतीय फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।